बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट इमली का शरबत, जिसके लिए आपने इमली ले लेनी है। उसको एक कप में पहले से भिगो के रख लेना है और फिर उसको हिला जुला के आपने क्या कर लेना है, ब्लेंडर में या जूस में डाल लेना है। पूरा कप मैंने यहाँ पर आधा कप डाला हुआ था और पानी में भिगो के रखा हुआ था। इमली का पल्प जो है वो निकल गया हुआ है तकरीबन, उसको मैंने डाल लिया है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी यहाँ के पुदीने की पत्तियाँ। पुदीना लेके आपने उसको धो के अच्छे से वो पत्तियाँ डाल देनी है। पत्तियाँ डालने के बाद जनाब आपने जो चीज़ डालनी है वो है चीनी। चीनी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास शक्कर पड़ी है चीनी के तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे वो भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि जो इमली के शरबत होता है वह खट्टा सा होता है तो वो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद आपने इसको कर लेना है ब्लेंड। ब्लेंड हमारा हो चुका है तो अब हम ले लेंगे बर्तन, जिसमें जो कुटी हुई आइस है, बर्फ़ है, वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसमें ब्लेंडर में भी डाल के पानी को ठंडा कर सकते हैं। वैसे ही मैं तो इसमें डाल रही हूँ ताकि पूरा पूरा ठंडा रहे जी जनाब। तो इसके बाद आप क्या करें, आपका जो शरबत हो गया हुआ है तैयार, ब्लेंडर में डाल के आपने उसमें डाल लेना है बर्तन में। ऊपर से आपने क्या कर लेना है, पानी जो है नॉर्मल पानी जो है टेम्परेचर वाला उसको ऐड कर लेना है। और जनाब आपका शरबत हो चुका है तैयार। ख़ुद भी पिएं, अपनी फैमिली को भी पिलाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि आपको जनाब जो नई आने वाली वीडियोज़ होती हैं वो मिलती रहे। तो अब डाल देंगे हम मग में और फिर आपने जनाब इसको सर्व कर लेना है। यकीन करें जितने भी शरबत हैं, मशरूबात हैं, और गर्मियों में वैसे भी हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मक्खियाँ चूँकि मक्खियों का मौसम है वो भी आपको नज़र आ रही हैं। हालांकि मैंने अच्छा खासा इनको भगाने की कोशिश की थी। और जो इमली वैसे जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन जब उसको हम पानी या शरबत बनाते हैं तो वो जनाब ठंडी होती है। इसमें मैंने तुख मलंगा भी डाला है, आप और भी ऐड कर लें अगर आपको कम लग रहा है तो। उसको भी आपने पहले भिगो के रखना है। जस आप इमली जब भिगो के रखेंगे तो उस वक्त आप ये भी भिगो के रख सकते हैं जी जनाब। तो हमारा इंस्टेंट इमली का शरबत हो चुका है तैयार। आप ख़ुद भी इसको बना के पिएं और अगर आपके कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उसको भी बना के पिलाएं। यकीन करें वो आपका फ़ैन हो जाएगा। नए वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।